नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज के ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जो बाजार में फोकस में रहने वाले हैं। तो कल जो फ्रंटलाइन इंडाइसेज हैं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडाइसेज ऊपर अगर के बंद हुए हैं, जहाँ पे सेंसेक्स में रैली करीब 481 पॉइंट की थी और ये 71,555 के आसपास क्लोज हुआ। वहीं पर निफ्टी में करीब 128 पॉइंट की रैली हमने देखी और ये 21,743 के आसपास क्लोज हुआ। बॉर्डर मार्केट हालांकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, जहां पर मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की रैली देखी है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.2% की रैली देखी है। अगर मैं निफ्टी में गेनर्स और लूजर्स की बात करूं दोस्तों, तो जो लूजर्स हैं उसमें हिंडाल्को, ग्रासिम, अल्ट्राटेक और दिव्यज लेबोरेटरीज हैं, और गेनर्स की बात करूं तो विप्रो, UPL, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। सेक्टोरियल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कुछ एक ही सेक्टर को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सारे ही इंडाइसेस जो है वो ऊपर जाकर के बंद हुए हैं, जिसमें से बैंकेक्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, मेटल, इन सभी में करीब बैंकेक्स, एनर्जी और हेल्थ केयर में करीब 1% से 1.4% की रैली में देखी है, जबकि मेटल और BSE रियलिटी में थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखा है, जहाँ पर मेटल इंडेक्स 1.45% नीचे बंद हुआ है, वहीं पर BSE रियलिटी करीब 0.1% नीचे जाकर के बंद हुआ है। मार्केट बेड थोड़ा सा पुअर था, जहाँ पे 1,685 स्टॉक जो है वो एडवांसेस में बंद हुए हैं, वहीं पे उनके सामने करीब 2,172 शेयर जो है वो नीचे बंद हुए हैं। फंड फ्लो की बात करूं दोस्तों, तो FII DII ने दोनों ने ही बाइंग की है कैश मार्केट में, जहां पे FII ने 376 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे DII ने करीब 274 करोड़ रुपए की बाइंग की है। 52 वीक हाई और लो बनाने वाले शेयरों की बात करूँ दोस्तों, तो करीब 228 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया है, जबकि 52 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है। आइए बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट आज के लिए उतना अच्छा नहीं है। हमने कल की US सेशन में देखा कि मार्केट वहाँ पे एक शार्प सेलअप के साथ में क्लोज हुआ है, जहाँ पे डॉ जोन्स करीब 1.4% नीचे बंद हुआ, वहीं पर नासडैक में करीब 1.8% का हमने एक टिक लाइनिंग देखा है। तो ओवरऑल इवन US मार्केट में ब्रॉडर मार्केट जो है काफ़ी प्रेशर में था। रसल उनका करीब 4%, रसल 2000 इंडेक्स करीब 4% कल के सेशन में जाकर के बंद हुआ है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है US का जनवरी महीने का CPI डेटा, जहाँ पे जनवरी महीने में जो CPI डेटा है, इन्फ्लेशन करीब 3.1% जो है रिकॉर्ड हुई है, जबकि एक्सपेक्टेशन था कि 2.9% के आसपास ही रहने वाला है। और कोर इन्फ्लेशन में भी हमने एक ग्रोथ देखा है, तो ये जो है रेट कट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, और शायद जो FOMC का जो रेट कट का डिसीजन है शायद वो आगे और बढ़ सकता है। इसका नतीजा ये हुआ कि बॉन्ड यील्ड जो US की है उसमें एक स्ट्रांग रैली देखी गई है, और बॉन्ड यील्ड करीब 4.3% के ऊपर आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और शायद इसीलिए आज जो है एक हमें गैप डाउन मार्केट देखने को मिल सकता है। आइए बात कर लेते हैं वो सारे स्टॉक जो आज के फोकस में हैं। तो रिजल्ट के बहुत सारे कंपनियां हैं, उसमें कुछ एक कंपनियां मैं कवर करूंगा, और बाकी जो है जो स्टॉक्स न्यूज स्पेसिफिक के कारण फोकस में हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं IRCTC की। तो कंपनी ने अपने तीसरे तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पर उनके रेवेन्यू में करीब 21.8% का उछाल देखा है, वहीं पे उनके प्रॉफिट में करीब 17% के आसपास का उछाल देखने को मिला है, और ये नंबर जो है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही है, तो उम्मीद करते हैं कि IRCTC जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। फिर इरिज लाइफ साइंस की बात करें दोस्तों, तो इरिज ने अपने तीसरे तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पर रेवेन्यू में करीब 15% का उछाल है, वहीं पर प्रॉफिट में प्रॉफिट लगभग फ्लैट ही रहा है, करीब 1.3% का उछाल देखा गया है। तो ब्रॉडली मार्केट के कंपैरिजन में या मार्केट के अनुमान के आसपास ही इनका परफॉर्मेंस है, तो एक म्यूटेड रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है इरिज लाइफ साइंसेस के अंदर। MTR की बात करूं, MTR टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे जो कंपनी नंबर पोस्ट किए हैं थोड़े से वीक हैं, मार्केट के अनुमान से जो है वो थोड़े से वीक हैं, जहाँ पे रेवेन्यू में डिक्लाइनिंग करीब 26% के आसपास की है, वहीं पे प्रॉफिट में करीब 67% का डिक्लाइनिंग देखा है, तो हमें लगता है कि आज ये स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। RHI मैग्नेशिया ने भी अपने तिमाही के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां पे उनके रेवेन्यू में करीब 43% का ग्रोथ देखने को मिला है, उनकी प्रॉफिट में करीब 32% के आसपास का डिक्लाइनिंग है, और ये नंबर थोड़े से वीक हैं, तो हमें लगता है कि एक म्यूटेड रिएक्शन देखने को मिल सकता है आज के ट्रेड में। NBCC की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर नंबर काफ़ी बढ़िया है,
जहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 13% का है, वहीं पे उनके प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 59% का है। तो ये नंबर बहुत बढ़िया है, उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की। तो यहाँ पे नंबर वीक है, जहाँ पे रेवेन्यू में डिक्लाइनिंग करीब 21% का है, प्रॉफिट उनका जो है इस क्वार्टर का करीब 95% नीचे आया है। तो ये नंबर मार्केट के अनुमान थोड़ा सा वीक लग रहे हैं, हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक आज नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। ऑयल इंडिया ने भी अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर डिक्लेयर किए हैं, ये नंबर फ्लैट हैं, मतलब जहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 3% का है, वहीं पर प्रॉफिट में ग्रोथ भी लगभग उतना ही परसेंट का है। तो ओवरऑल एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर है और शायद म्यूटेड रिएक्शन भी हमें देखने को मिल सकता है आज के ट्रेड में। फिर बात करते हैं अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पर नंबर बहुत ही बढ़िया है इस कंपनी के, जहाँ पे उनके रेवेन्यू में करीब 38% का उछाल है, उनके प्रॉफिट में करीब 56% का उछाल है, और ये नंबर जो है वो मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट आज पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। फिर बात करते हैं नुआमा वेल्थ की, यहाँ पे नंबर काफ़ी बढ़िया है, रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 105% का है, जबकि प्रॉफिट जो है कंपनी का 31 करोड़ का है। और ये प्रॉफिट अगर मैं कंपेयर करूँ सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने करीब 6 करोड़ रुपये का लॉस कमाया था। तो ओवरऑल नंबर जो है ये बढ़िया है नुआमा के लिए, हमें उम्मीद है कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। सुला विनियर्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर ठीक है, जहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 4% का है, वहीं उनके प्रॉफिट में करीब ग्रोथ 9% के आसपास का है। तो सुला विनियर फंडामेंटली भी हमें पसंद है, उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। फिर बात करते हैं गार्डन रिश्री बिल्डर्स की, ये एक डिफेंस कंपनी है दोस्तों, नंबर बहुत बढ़िया है, जहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 32% का है, वहीं पे उनकी प्रॉफिट में करीब 38% का उछाल है, और ये नंबर मार्केट के अनुमान के आसपास ही है। तो हमें लगता है कि जो ग्रोथ है या जो मोमेंटम है इसमें मेंटेन रहने की उम्मीद है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। फिर ला ओपाला आरजी की बात कर लेता हूँ दोस्तों, तो नंबर यहाँ पे ठीक ठाक हैं, हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन है करीब 15% का, लेकिन प्रॉफिट करीब 27% का उसमें उछाल है। तो उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है ला ओपाला में। फिर बात करते हैं टेस्टी बाइट ईटेबल्स की, नंबर बहुत बढ़िया है, करीब 26% का उछाल है इनके रेवेन्यू में, जबकि प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 66% का है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ने भी अपने थर्ड क्वार्टर का नंबर पब्लिश किए हैं, जहां पे रेवेन्यू में ग्रोथ करीब 76% का है, उनके प्रॉफिट में उछाल करीब 191% का है। तो ये नंबर बेहतरीन है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं उनके रिजल्ट को लेकर के। आज भी एक रिजल्ट हैवी डे रहने वाला है, बहुत सारी कंपनियां वायदा बाजार और कैश मार्केट में अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। तो कुछ एक कंपनी जैसे महिंद्रा एनएमडीसी, मुद्रुत फाइनेंस, आदित्य बिरला फैशन, अलेम्बिक लिमिटेड, तो ये ढेर सारी कंपनियां हैं जो आज के दिन अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी। आइए बात कर लेते हैं ऐसे स्टॉक जो आज फोकस में रहने वाले हैं दोस्तों। तो पहला अदानी ग्रुप कंपनी, तो यहाँ पे ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी ने जो है अदानी ग्रुप के कंपनियों का जो आउटलुक है रिवाइज किया है स्टेबल की तरफ, जो पहले नेगेटिव था अब स्टेबल कर दिया है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव जा सकता है अदानी ग्रुप कंपनियों के लिए। विप्रो आज फोकस में रह सकता है, कंपनी ने करीब 60% स्टेक अक्वायर किया हुआ है एग्ने ग्लोबल में, और ये $66 मिलियन का ये डील है, और आगे चल कर इनकी कंसल्टिंग बिजनेस को ये स्ट्रेंथन करेगा। तो आज विप्रो फोकस में रहने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक को एक ऑर्डर मिला है इंडियन नेवी से करीब 2167 करोड़ रुपए का, तो ये पॉजिटिव है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। लुपिन भी फोकस में रहेगा दोस्तों, फंडामेंटली ये कंपनी हमें पसंद भी है, और कंपनी ने कहा है कि वो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं US में, जिसका जो कि ब्रोमेक फिनैक ऑप्थल्मिक सोल्यूशन है, और एक जेनरिक प्रोडक्ट है जो US में लॉन्च कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है लुपिन के लिए। विष्णु प्रकाश आर पंगलिया को एक 74 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन से, तो ये स्टॉक आज फोकस में रह सकता है। लेमन ट्री ने कहा है कि उन्होंने एक लाइसेंस अग्रीमेंट साइन किया है होटल के लिए नोएडा में, तो ये पॉजिटिव है लेमन ट्री होटल्स के लिए। और फाइनली रेल ट्रेल को करीब 140 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है प्रसाद भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से, तो ये एक पॉजिटिव है रेल ट्रेल कॉरपोरेशन के लिए।
लिस्टिंग्स की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में आज काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। तो तीन कंपनियां आज लिस्ट होने वाली हैं, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और राशि पेरिफेरियल्स। ये तीनों ही कंपनियां आज लिस्ट होंगी स्टॉक मार्केट में। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो इशू प्राइस था वो करीब 414 रुपये पर शेयर का था और ये इशू करीब 18.5 टाइम्स सब्सक्राइब भी हुआ था। और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी आज डेब्यू करेगा मार्केट में, 468 रुपये का इशू प्राइस है और इसका इशू करीब 4 गुना सब्सक्राइब हुआ था। राशि फेरियल्स भी आज लिस्ट होने वाला है, 311 का इशू प्राइस है और ये इशू जो है करीब 60 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हुआ है, तो इनके ऊपर मार्केट का फोकस रहने वाला है। उसके अलावा दो कंपनियों का IPO चल रहा है मार्केट में, एक तो है एंटरो हेल्थ केयर सोल्यूशन जो कि तीसरे दिन ये करीब 1.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और विभोर स्टील ट्यूब ये पहले दिन करीब 27 गुना सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों, तो ये भी फोकस में रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की। तो यहाँ पे सोम डिस्टिलरी और मिसेस बेक्टर फूड्स में यहाँ पे प्रमोटर ने स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज जो है वो ओपन मार्केट से बाय की हुई हैं, तो ये फोकस में रहने वाले हैं। जबकि रामकृष्ण फोर्जिंग में भी यहाँ पे प्रमोटर ने स्मॉल क्वांटिटी जो है मार्केट से बाय की है। प्लेज की बात करूँ तो मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर में प्रमोटर ने करीब 45 लाख शेयर्स का जो है एक प्लेज क्रिएट किया हुआ है, जबकि स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया में करीब 24 लाख शेयर्स का जो है प्रमोटर ने प्लेज को रिलीज किया है। दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो आज के फोकस में रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing.